आज का ब्लॉग थोड़ा सीरियस मूड में होगा, तो पहले नहा लेते हैं फिर करते हैं बात स्टार्ट। यार मम्मा खाना दो ना, कुछ मन की बात करनी है आज मुझे। खाना खाते हुए बात नहीं कर सकते? तो पहले खाना खा लेते हैं। आज का ब्लॉग एक ही जगह पे बैठ के होगा, एंड अगर आपको मेरी बातें सुनना पसंद नहीं है तो आप मेरा ब्लॉग देखना बंद कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे मन की बात, मतलब मैं अपने मन की बात करूँगी। अब करते हैं मन की बात स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि सारी वीडियोस मेरी ऐसी होंगी या ऐसी टाइप की होंगी, लेकिन जब मुझे अपने मन की बात करनी होगी तो मैं अपने मन की बात करूँगी। देखो, अब आप कोई भी काम कर रहे हो, आप उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढते हो, मतलब आपको उसमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, एंड अगर आपको उस काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो आप वो काम कभी नहीं करोगे। देखो, जो मेरी पहली वीडियो थी उसको एडिट करने में मुझे 4 घंटे लगे, जो मेरी सेकंड वीडियो थी उसको एडिट करने में मुझे 1.5 दिन लगा, और ऐसे करते करते जो मेरी अभी लास्ट 4th वीडियो थी उसको एडिट करते मुझे 3 दिन लगे। देखो यार, मुझे एडिटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन एडिटिंग करते करते एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई इस चीज़ से, एंड मैं बिल्कुल सोचने लगी कि यार मैं क्या कर रही हूँ। एक पॉइंट पे मैंने एडिटिंग करी बट ज़बरदस्ती, एंड ज़बरदस्ती का कोई भी काम हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमें। अब मेरी वीडियोस वो देख रहे हैं जो मेरी मन की बात सुनना चाहते हैं। सुबह से मैं सोच रही थी कि मुझे कैसी वीडियो शूट करनी चाहिए। 3 दिन मैंने एडिटिंग करी, एंड उसके बाद आई वॉज जस्ट लाइक मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई, एंड मैं सोचने लगी कि यार मैं इतना भी क्या कर रही हूँ। बट मैंने अपने साइड से पूरा बेस्ट दिया, एंड मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही हूँ, एंड सबसे बड़ी बात मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझ रही हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में ही इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, एंड मैं इसी चीज़ में सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज़ कर रही हूँ, ना कि सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रही हूँ कि अगर मेरे को व्यूज़ मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी। मैं एक ऐसी ऑडियंस को इकट्ठा नहीं करना चाहती कि जो ये सोचे कि ये कॉमेडी नाइट्स विद तानिया राजपूत चल रहा है। किसी ने मुझे बोला कि यार आपके व्लॉग्स को देख के हंसी नहीं आई। यार उस बात का मुझे बहुत लगा कि यार मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ या मैंने कोई कॉमेडी सर्कस खोला हुआ है। मेरे व्लॉग्स में एक लिमिट लगा रहे हैं, एक दायरा लगा रहे हैं कि तेरा दायरा है सिर्फ हंसाना, तेरा दायरा ये है कि सिर्फ एंटरटेन करना, तेरा दायरा ये है कि सिर्फ बकर बकर करना या सिनेमैटिक सीन्स को रिप्रेजेंट करना। मैं अपने ब्लॉग्स में वो रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं एक्चुअल में रियल में हूँ। यार किसी ने मुझे बोला कि यार ये ओवर एक्टिंग है, एंड आज के टाइम में हर कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है। यार अगर मैं व्लॉग्स बना रही हूँ या कोई व्लॉगिंग कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, एंड अपनी मर्जी की चीज़ में वो ओवर एक्टिंग क्यों करेगा, मतलब क्यों आर्टिफिशियल चीज़ को अपने व्लॉग्स में लाएगा। मैं नहीं चाहती यार ये लोग एक ऐसा माइंडसेट लेके मेरी वीडियोस को ओपन करें कि वो सोचे कि यार ये वीडियो मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि मुझे हंसना है। यार कुछ लोगों ने बोला कि इस व्लॉग में हंसी नहीं आ रही है, इधर ओवर एक्टिंग है। मैं ये सोच रही हूँ यार कि मैं हंसाने के लिए थोड़ी व्लॉगिंग कर रही हूँ। व्लॉगिंग का क्या मतलब है कि हम जो कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा रूटीन है वो है व्लॉगिंग। कोई अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है वो है व्लॉगिंग। यार जो भी आप कर रहे हो उसको व्लॉग बोलते हैं। व्लॉग का कोई दायरा नहीं है, हम एक भी लिमिटेशन नहीं लगा सकते व्लॉगिंग पे। जो लोग मेरे को सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं कि ये लड़की हंसाएगी, तो उस पॉइंट पे मैं गलत भी साबित हो सकती हूँ, एंड उसी पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर भी खो सकती हूँ। व्लॉगिंग का कोई दायरा नहीं है और ना ही मेरा कोई दायरा है। आई एम फन लिविंग गर्ल, मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ फ़नी हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी सारी वीडियो सिर्फ फ़नी ही हो, उसमें कुछ अलग भी हो सकता है। मेरे पहले व्लॉग का कोई दायरा नहीं था क्योंकि उसमें जज करने वाले लोग ही नहीं थे,
जो मुझे खुशी मिलती है ना वो अभी कम हो गई है, क्योंकि मैं लोगों के बारे में ही अब बहुत सोच रही हूँ कि मैं, अब मैंने ये व्लॉग बनाया है तो पता नहीं ये व्लॉग उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं बस ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग से कोई दायरा नहीं है, एंड मैं हर मूड में व्लॉग करना चाहती हूँ। आज तक मेरी जितनी भी वीडियोस आई हैं मैंने उसमें अपना बेस्ट दिया है, पूरा दिया हुआ है। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो मैं वो वीडियो अपलोड भी नहीं करूँगी। मेरा काम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है वीडियो अपलोड करके, उसके बाद मैं उस वीडियो के बारे में नहीं सोचती। बट जब मुझे लोग बोलते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल वर्क किया गया हुआ है या इसमें ओवर एक्टिंग की गई हुई है, तो यार फिर नो वर्ड्स। अब अगर आप कैरी मिनाटी की वीडियो के नीचे जाके लिखोगे कि यार भाई मुझे तेरी वीडियोस में वो ह्यूमन नहीं दिख रहा, वो बात नहीं दिख रही है, तो यार वो चीज़ बनती है। बट अगर आप मुझे आके बोलो कि यार तेरी वीडियोस में हंसी नहीं आ रही है, तो फिर यार वो बात थोड़ी होती है। मेरे अकॉर्डिंग मेरा मीन्स तानिया राजपूत का कोई दायरा ही नहीं है। वो हर तरह की वीडियोस बना सकती है, फनी भी होंगी, स्टडी रिलेटेड भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगी। मतलब कहना की बात ये है कि हर तरह की वीडियो होगी, लेकिन हर वीडियो में वो हर चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। ये मेरी वीडियो 100 लोग भी देख रहा है, 2 लोग भी देख रहे हैं, बट मैं इसी में सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि ये वीडियो बना के मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो आई एम हैप्पी विद इट। मतलब मैं तानिया राजपूत जून 22 तक अपनी वीडियोस में जितना बेस्ट दे सकती थी मैंने अपनी वीडियोस में उतना बेस्ट दिया। अब आने वाले टाइम में मैं इवॉल्व करूँ या मेरे बेस्ट का मतलब थोड़ा अलग भी हो सकता है, पर इस वक्त मेरे लिए जो बेस्ट की डेफिनेशन है मैं वो अपने साइड से पूरा दे रही हूँ। तो मैं बस एक बात कंक्लूड करूँगी कि आप किसी को भी एक दायरे में मत रखो। मतलब होता है ना कि हम किसी इंसान को या किसी चीज़ को लेकर लेबल कर देते हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी बंदे को कहते हैं ना कि तेरा दायरा ये है, तू यही है, तो वो बंदा उस दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाता है। ठीक है यार, अपनी मन की बात रखना जायज़ है, मैंने अपने मन की बात रख ली। मेरे को बस यही है यार कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं या जो देखता है, तो वो भी एक पॉइंट पे आके ये ना सोचे कि यार ये क्या बना रही है, या मैं ये ना सोचूं कि यार ये मैं क्या बना रही हूँ। तो बस यार यही था आज का प्रवचन। ये बात बताए क्यों बोली मैंने, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये एक प्रवचन ही था, बट ये मेरे मन की बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो ठीक है यार।